हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सब, आई होप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में बात करेंगे न्यू यामा 2020 R3 के बारे में। तो कैसी होगी बाइक और कब तक इंडिया में लॉन्च होगी, सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपको इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। बाइक की लुक पहले से काफ़ी एग्रेसिव और स्पोर्टी होने वाली है पुरानी वाली R3 से। तो इसकी जो लुक है वो इंस्पायर्ड होगी न्यू R1 और R6 से, जो कि काफ़ी अच्छी बात। और साथ ही साथ बाइक काफ़ी पावरफुल रहने वाली है गाइस। जो इसमें आपको इंजन देखने को मिलेगा वो मिलेगा 321cc लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड ट्विन सिलेंडर। तो पैर ट्विन सिलेंडर होने के कारण बाइक काफ़ी स्मूथ और अच्छा परफॉर्म करने वाली है। तो इसमें पावर देखने को मिलेगी वो है 42 horsepower एट द रेट 10,750 rpm। और जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है बाइक वो है 28.8 Nm एट द रेट 9,000 rpm। और जो बाइक में आपको 6-speed गेयरबॉक्स मिलेंगे और बाइक का जो वेट होगा वो होगा 170 kg। और जो बाइक का फ्यूल टैंक है वो 14 liters का रहने वाला है। और आपको बाइक में 12-channel ABS देखने को मिलेंगे एज स्टैंडर्ड, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाइक में फीचर्स वगैरह देखे जाए तो इसमें मिलेंगे आपको TFT डिस्प्ले, जो कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी आपको, जैसे गियर इंडिकेटर, इंजन हीट, टेम्परेचर वगैरह, काफ़ी सारी डिटेल्स। और बाइक में आपको फ्रंट में अपसाइड डाउन फोक्स और रियर में मोनोशॉक देखने को मिलेंगे। और जो बाइक के अलॉयज हैं वो ब्लू कलर के होंगे, जो कि बाइक की लुक को और एनहांस करेंगे। तो बाइक लुक और परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी अच्छी रहने वाली है अब की बार। एंड गाइस, बाइक में आपको LED इंडिकेटर अभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। और बाइक में आपको मिलते हैं क्लिप ऑन हैंडल बार, जो कि पुरानी वाली R3 से रियर साइड होंगे, जो कि इस बाइक को और स्पोर्टी और एग्रेसिव बना देंगे, जो कि कॉर्नरिंग में काफ़ी हेल्प करने वाले आपको। तो काफ़ी अच्छी बाइक रहने वाली है लुक और परफॉर्मेंस के मामले में। तो अब बात करते हैं बाइक की प्राइसिंग। तो बाइक की प्राइसिंग अराउंड 3.70 lakh एक्सपेक्टेड रहने वाली है। तो यामा की तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं है क्या प्राइस होने वाली इसकी इंडिया में। तो अब बात करते हैं बाइक कब तक इंडिया में लॉन्च की जाएगी। तो यामा शायद इस बाइक को 2020 के एंड तक लॉन्च कर दे इंडिया में, या फिर 2021 के स्टार्टिंग में, तो तब तक लॉन्च कर सकता है यामा इसको इंडिया में। सो कमेंट करें आपको कैसी लगी बाइक और क्या क्या इसके खास फीचर्स लगे आपको। और लाइक कर दे वीडियो, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे यार। और घर पर रहें, स्टे सेफ रहें यार। बाय।